पहले उनसे शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर सर का और रुमता सर का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और बच्चों से और उनके पेरेंट्स से रूबरू हूँ। जवाहर सर जितना एक्सपीरियंस तो नहीं, पर बिंग एन इंटरनेशनल प्लेयर हमेशा से जो है स्पोर्ट्स से कहा जाए तो मेरी फैमिली के साथ साथ मेरा भी रूह जुड़ा हुआ है और बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी स्पोर्ट्स एनुअल डे स्पोर्ट्स में या बच्चों के पीच में जाता हूँ तो मैं मुझे बहुत बड़ी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है और अपने बचपन के दिन याद करता हूँ। लेकिन जब मैं कभी ऐसे जगह पे जाता हूँ जहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेलने के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड हो, अच्छे कोचेज हो और अच्छी फैसिलिटीज हो, तब और खुशी होती है, क्योंकि हमारे टाइम पे जो है हमारा कॉम्पिटिशन रोड पर हुआ करता था। तो पहले तो रोड को अरेंज करना होता था, लोगों को बताना होता था यहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो बच्चों से थोड़ा सा बच के रहें, इस प्रकार का ऐसे इंस्ट्रक्शन होते थे। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी और स्कूल मैनेजमेंट को भी कि आप बच्चों को ऐसे सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे खेल भविष्य को बहुत बढ़ावा देंगे। क्योंकि यहाँ बच्चे सारे छोटे हैं और ये ज़्यादा मेरी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं कुछ उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, उन्हीं पे फोकस करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा स्पोर्ट्स को लेकर, और आज का जो ये हमारा थीम है वॉरियर्स ऑफ द नेशन, वॉरियर्स ऑफ द नेशन, जिसमें आपने अभी देखा कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और पुलिस के ड्रेस में, तो आपको सबको यही पता है कि एयरफोर्स जो है हमको हवा की सिक्योरिटी प्रदान करती, नेवी पानी पे, और जो आर्मी है वो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो ये हमारे देश के गौरव तो होते ही हैं, इनके बिना तो देश कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इनकी कुर्बानियां देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ऐसे ही जो है एक स्पोर्ट्समैन भी होता है, एक स्पोर्ट्समैन जो है जब विदेश में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, भारत देश को रिप्रेजेंट करता है, इस तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने देखा होगा, मैंने भी पहन रखा है, तिरंगा झंडा जो होता है बिल्कुल दिल के करीब दिया जाता है, ताकि वो जब खेले तो दिल पे देश का नाम हो और देश की पहचान हो। और ये आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया जाता, आपने ध्यान दिया होगा अगर इस बात को, तो चाहे वो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, किसी के भी दिल के करीब आपने तिरंगा झंडा नहीं देखा होगा। ये सौभाग्य जो है सिर्फ खिलाड़ी को दिया जाता है, जो हर एक खिलाड़ी के लिए सौभाग्य की बात है। तो ये सब बताने का मेरा कारण ये है कि जैसे हमारे देश के जो वॉरियर्स है वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं देश को, वैसे ही एक स्पोर्ट्समैन करता है, जब बाहर हो जाते हैं तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अनुशासन बना के रखना है और अपने देश का नाम नहीं खराब होना है, और जितना हो सके देश को वही मिलनी चाहिए अपने परफॉर्मेंस से। और सबसे बड़ी बात खुशी भी होती है कि हम किसी भी देश में आप जाके जबरदस्ती कहीं पे भी अपना नेशनल एंथम या तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन ये भी सौभाग्य जो एक खिलाड़ी को प्राप्त होता है, जब एक नेशनल मेडल, एक गोल्ड मेडल आप जीतते हैं तो आपके लिए ना चाह के भी वहां पे नेशनल एंथम बजाया जाता है और आपके देश का झंडा ऊंचा फहराया जाता है। तो ये सब बताने का कारण ये है कि एजुकेशन, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, ये तो आधार है हमारे जीवन का और देश की उन्नति के लिए, लेकिन खेल भी, खेल में भी जो है हम अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खेल वो चुने जो देश के काम आए, खुद के नहीं, खुद के काम, खुद के लिए तो सब खेलते हैं, लेकिन हमको बनना ऐसा है, अपने बच्चों को ऐसा गाइड करना है कि वो देश के लिए खेले, ऐसा मेरा मानना है, तभी हमारा जो देश है इंटरनेशनल लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे हम ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्पोर्ट चूज करने से पहले ये देख लें कि उनके जो कोचेज हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोच दो प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने अच्छे कार्यों से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उसको जीने का रास्ता दिखाते हैं, खेलने का रास्ता दिखाते हैं, और एक कोच वो भी होते हैं जो दूसरों की बुराई करके और दूसरों की कमजोरियां बता के खुद को बड़ा दिखाते हैं, ऐसा भी होता है स्पोर्ट्स में। तो ये हमको जज करना है कि अपने बच्चों को हमको भेजना कहाँ है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं, मेरे को जहां तक याद है कि 1920 में जब ओलंपिक गेम्स के लिए हमारी इंडियन टीम को जाना था तो एक दोराबजी टाटा थे, ये हिस्ट्री से बता रहा हूं मैं आपको, दोराबजी टाटा थे पुणे में,
दुराबजी टाटा, टाटा फैमिली को तो सभी जानते हैं, तो उनका एक सपना था कि इंडियन टीम जो है ओलंपिक गेम्स में खेले। तो बात आई कि 1920 में उस समय हम जो थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो इंडियन टीम को भेजना है तो उसके लिए बजट कहाँ से आएगा। इटली आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने जो है 8,000 रुपीज उस ओलंपिक गेम्स में जो कंटिजेंट जा रही थी इंडियन टीम, उसके लिए उन्होंने 8,000 रुपीज का बजट तैयार किया था कि हमारी जो कंट्री है वो ओलंपिक में जाके ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। अब सोचिए उस समय 8,000 रुपीज और आज हजारों करोड़ में हमारा बजट है, लेकिन फिर भी हमारे पास खिलाड़ी नहीं। तो बच्चों में ये जज्बा कहाँ से आएगा? आप पेरेंट्स से आएगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षा तो आधार है देश को बढ़ाने का, लेकिन हम खेलों में क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है एज अ प्लेयर कि पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं कि उस लेवल तक का हम स्पोर्ट कैसे कराएंगे, वहां तक ऐसे रिक्रिएशन के तौर पे चलना है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है, रिक्रिएशन के लिए नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि हमको देश के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि हर बच्चों में एक अलग अलग गुण होता है, एक अलग अलग जो पोटेंशियल होता है, तो वो चीज हमको देखना है। कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में एवरेज होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको अगर हम स्पोर्ट में जाते तो वो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये बात हुई पेरेंट्स के लिए। और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़े होंगे और मेरी बात सुन भी रहे होंगे, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई थी बचपन में कि पहले खुद कामयाब बनो, दूसरों की कामयाबी का कारण बनो। शायद मैंने कुछ पुराने स्कूल में भी बोला था, शायद जावा सर भी थे। तो ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक स्पोर्ट्समैन जो है वो सक्षम हो, वो अपनी फैमिली से अच्छा हो। तो आपने देखा होगा कि कई बार पेपरों में पढ़ा होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए और मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। तो हम टोटल जो है गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं कि गवर्नमेंट जब हमको देंगे, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कामयाब स्पोर्ट्समैन भी जब कामयाब बनता है, तो जैसे मैं, मेरा वो एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मैं जो था एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और आज मैं जो भी हूँ वो सब स्पोर्ट्स कर दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज से कुछ लोगों ने मेरी मदद की, मैं इस लेवल तक पहुँचा और आज आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। तो मुझे वो दिन नहीं भूलने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि समाज ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे भी समाज को कुछ लौटा के वापस करना है। वो कैसे कर सकते हैं कि जो सिचुएशन हमने देखी है, जो संघर्ष हमने किया है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए, वो संघर्ष बच्चों को ना देखना पड़े। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो इसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें। मेरे जैसे प्लेयर हैं, आप जैसे पेरेंट्स हैं, ऐसे स्कूल से, एकेडमिक से, अगर ये उनकी मदद करें, उनको आगे आने में मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो या और दूसरे तरीके से हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज और ज्यादा आगे बढ़ेगा और अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे या ऐसे एसोसिएशन पे या फेडरेशन पे डिपेंड ना रहे। जैसे हम, आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई पूजा होता है तो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो गणपति का हो, चाहे वो दुर्गा माता का हो, या दूसरे कुछ ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे वो जैसे गुरु नानक देव जयंती है या फिर ईद है, ऐसे कई चीजों में हम देखते हैं आपने कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स के लिए चूक जाते हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस चीज पे काम कर रहा हूँ, तो कहीं से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम अपने समाज में दूसरे एक्टिविटीज के लिए प्रमोशन करते हैं, वैसे स्पोर्ट्स क्यों नहीं करते? आपकी सबकी एक कम्युनिटी होगी, आपका सबका एक ग्रुप होगा, आप हो सकता है शिक्षा में भी कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो क्यों ना स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करें और अपनी सोसाइटीज में, अपनी फैमिलीज में एक ग्रुप बनाएं और तय करें। हम सब जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सब चीज ये जानते हैं कि यहाँ ये परेशानी हो रही है, तो क्यों ना उनसे खुद जाके कॉन्टेक्ट करें और उनसे बोले कि भाई हम आपकी मदद करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तभी शायद मुझसे भी बेहतर प्लेयर तैयार होंगे। स्कूल जो कर रही है, दूसरे जो सक्षम पेरेंट्स जो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने
चलिए मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं बोल देता हूँ, अगर मैं अपने सैलरी से भी 2% की अगर किसी बच्चे को भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ पर मंथ, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत है। तो मैं ये चाहूंगा, ये मेरा सोच है, ये मेरा सपना है कि आप भी इस मुहिम में आगे बढ़ें और अपनी कम्युनिटी में अपने ग्रुप में ऐसा काम करें ताकि हमारा जो देश का स्पोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के एसोसिएशन के फेडरेशन पे डिपेंड ना रहे और हम ये कह सकें कि भाई हमने इनको तैयार किया है। क्योंकि आपने देखा होगा, थोड़ा सा बुरा लगने वाला बात है कि जब भी ओलंपिक आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, एशियन गेम्स आता है और हमारी इंडियन टीम जब परफॉर्म नहीं करती है तो हम क्या कहते हैं, देखो इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने और इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितना मेहनत किया है। हमें बेशक लगता है कि वो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं कर पाए, मेडल नहीं लाए, बस इतना सा मेडल, इतनी करोड़ की आबादी है और इतने अरब की आबादी है और हमारा कोई मेडल नहीं आया। जैसे अभी आप कह, अभी मैं सुन रहा हूँ सर, एक जो चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है कतर में, उसमें एक मीम्स बन रहे हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक में भी चल रहा है कि 140 करोड़ की आबादी में ऐसे प्लेयर 11 प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप खेल सके। तो ये सवाल उठाना आसान है लेकिन आपको खुद पे झांकना होगा कि ऐसे 11 प्लेयर बनाने के लिए हमने क्या योगदान दिया, हमने क्या किया। आप बताइए, आपने कहीं पे ग्राउंड छोड़ा बच्चों के खेलने के लिए? कहीं ऐसा ग्राउंड है, ये ग्राउंड नो डाउट सर, ये एथलेटिक के लिए अच्छा है लेकिन आपको भी पता है फुटबॉल के लिए कैसा ग्राउंड होना चाहिए। हमारे बच्चे जब खेल ही नहीं पाएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये बोलना आसान होता है। तो मैं यही चाहूंगा आप सबसे, ये एक स्पोर्ट्समैन का दर्द है, जब भी ऐसे मीम्स बनते हैं तो दर्द हमको होता है कि कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है लेकिन रिजल्ट सबको चाहिए, सबको ये लगता है गवर्नमेंट तो कर रही है। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फुटबॉल खेलने तक के स्पाइक्स नहीं है लेकिन वो परफॉर्म तो कर रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ये सारे सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ, आप इन पे सोचिए, मंथन कीजिए, हो सकता है आज आप सोचिए और आप में से अगर एक आदमी, एक पेरेंट्स भी निकल के किसी बच्चे को मदद कर दिए ना, तो उस दिन ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा और जो स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं वो बच्चे नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं वापस आता हूँ एनुअल स्पोर्ट्स डे पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सारे बच्चों को भी, इन्होंने जो ड्रिल्स किए, जो परेड हुआ, जो सलामी हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो शुरुआत बहुत अच्छा था और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी यहां से कोई ना कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स बने। तो मेरा यही मैसेज था, अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियंस नहीं हूं, एक स्पोर्ट्समैन हूं, तो मैं जो फील करता हूं वही सबसे शेयर करता हूं। तो इसके लिए मैं जवाहर सर का, रुंकर सर का, मैम्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। थैंक यू सो मच।